हेलो एवरीवन, आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब्जॉर्प्शन बैंड हैं वो चार टाइप के होते हैं, पहला के बैंड, दूसरा आर बैंड, तीसरा बी बैंड और चौथा ई बैंड्स। इनमें सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं किसकी, के बैंड्स की। के है वो जर्मन वर्ड कॉन्जुगेटे का फर्स्ट वर्ड है। कॉन्जुगेटे का अर्थ है जो कंपाउंड कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम रखता हो, जिनमें पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन हो, और एग्जाम्पल की बात करें डाइईन, पॉलीईन और कौन सा इनो। इन एग्जाम्पल को अपन समझते हैं, डाइईन, पॉलीईन और कौन सा इनो। पहला मैंने लिया है एक्रोलिन, जिनमें पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है, और कौन से ट्रांजिशन की बात करेंगे, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन। कौन से बैंड, के बैंड, जिसकी लेमडा मैक्सिमम कितनी है 210 नैनोमीटर और अपसाइलेंट मैक्सिमम है 11,500। फिर स्टाइरीन, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन 214 नैनोमीटर, अपसाइलेंट मैक्सिमम है 12,000। डाइन 13 बीटा डाइन, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन, लैम्डा मैक्सिमम 217 नैनोमीटर और अपसाइलेंट मैक्सिमम है 21,000। एसीटोफिनोन, पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग ट्रांजिशन 240 नैनोमीटर, लैम्डा मैक्सिमम और अपसाइलेंट मैक्सिमम कितनी है 13,000। इन एग्जाम्पल से ये स्पष्ट है कि लेमडा मैक्सिमम है लगभग 200 to 250 नैनोमीटर के बीच में है सबकी, और अपसाइलेंट मैक्सिमम की बात करें तो वो 10,000 to 25,000 के बीच में है। के बैंड की अपसाइलेंट मैक्सिमम की इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा का अर्थ है कि इंटेंसिटी है इनकी क्या है, ज्यादा है। कितनी है, 10^4 से भी ज्यादा होती है। अर्थात के बैंड है जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, कॉन्जुगेटेड डाइन से या पोलीन से या इनोन से, इनमें कौन सा ट्रांजिशन, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेमडा मैक्सिमम है वो कितने से कितने बीच में, 200 to 250, अपसाइलेंट मैक्सिमम 10,000 to 25,000। कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि के बैंड की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा क्यों होती है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं, जिनमें होमो और ल्यूमो के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों लॉब्स हैं वो एक ही प्लेन में प्रजेंट हैं। अगला है आर बैंड, जर्मन वर्ड रेडिकल आर्टिक से लिया गया है। रेडिकल आर्टिक का अर्थ है कि जिस मॉलिक्यूल में कौन सा ट्रांजिशन हो, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो, और उसमें सिंगल क्रोमोफोर प्रेजेंट हो। क्रोमोफोर मैंने आपको बताए थे, कार्बोनिल, नाइट्रो, साइनाइड और कौन, एजो। इनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो बैंड है वो कार्बोनिल और नाइट्रो के लिए मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स होता है। स्ट्रक्चर इलिसिडेशन में इसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, यदि कार्बोनिल और नाइट्रो ग्रुप आएगा तो इसके लिए अपसाइलेंट मैक्सिमम 10 to 100 के बीच में प्राप्त होगी,
यदि ऐसा दिया गया है या अपसाइलेंट मैक्सिमम 10 to 100 के बीच में, इसका मतलब कौन सा बैंड है? आर बैंड है। आर बैंड में क्रोमोफोर के रूप में कौन प्रेजेंट हो सकता है? या तो कार्बोनिल या कौन, नाइट्रो। ध्यान रखना ये बात। एग्जाम्पल की बात करें कि सब में चेक करो पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर, पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर, पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर, पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ है? हेट्रो एटम। सब में चेक कर लो कार्बोनिल। अपन आर बैंड की बात कर रहे हैं तो इसलिए ट्रांजिशन कौन सा होगा? एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इनकी लेमडा मैक्सिमम की बात करें तो एसीटोन के लिए 270, एक्रोलिन के लिए 315, एसिटोफिनोन के लिए 319 और क्रोटोनल्डिहाइड के लिए 322। अर्थात लेमडा मैक्सिमम है वो 250 नैनोमीटर से लेकर के 350 नैनोमीटर के बीच में है लगभग। यहां जो मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? अपसाइलेंट मैक्सिमम। आर बैंड को पहचानने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि अपसाइलेंट मैक्सिमम को चेक कर लो। अपसाइलेंट मैक्सिमम चेक कर लो, एसीटोन के लिए कितनी? 15 और एक्रोलिन के लिए 14, एसिटोफिनोन के लिए कितनी? 50 और क्रोटोनल्डिहाइड के लिए कितनी? 14। 10 to 100 नैनोमीटर के बीच में। इसका मतलब इनकी इंटेंसिटी क्या है? लो है। इंटेंसिटी लो क्यों है? क्योंकि ये सिमेट्रिकली क्या होते हैं? फॉरबिडन होते हैं। इसलिए इसे कौन सा बैंड्स कहा जाता है? फॉरबिडन बैंड कहा जाता है। यदि पोलरिटी का इफेक्ट हो तो पोलरिटी इंक्रीज होती है तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए इसे ब्लू बैंड्स भी कहा जाता है। आगे है बी बैंड्स। बी बैंड्स, बी है वो बेंजेनोइड सिस्टम या बी है वो बेंजेनोइड से लिया गया है। बेंजेनोइड का अर्थ यह है कि जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, और बेंजीन रिंग है इसलिए वो एरोमेटिक है। और जो बी बैंड है वो एरोमेटिक के साथ साथ किस में पाया जा सकता है? हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में। बी बैंड के लिए जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब आप ये कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन किसके लिए है? के बैंड के लिए भी है। तो हाँ, के बैंड और बी बैंड दोनों के अंदर ट्रांजिशन कौन सा होता है? पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। बट बी बैंड है वो जनरली किसके लिए यूज में आता है? बेंजेनोइड सिस्टम के लिए। और बी बैंड और के बैंड में अपन कंपैरिजन करते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने क्रोमोफोरिक ग्रुप के रूप में क्या लगा दिया? एथिलीन, और क्या बन गया? स्टाइरीन। इस स्टाइरीन के लिए बी बैंड है वो कितना है? 282 और के बैंड कितना है? 214। इससे ये स्पष्ट है कि के बैंड और बी बैंड दोनों दिए गए हों तो लेमडा मैक्सिमम किसकी ज्यादा होगी? बी बैंड की ज्यादा होगी। किसके कंपेरेटिवली? के बैंड की। इंटेंसिटी देखते हैं स्टाइरीन की। बी बैंड के लिए 450, जबकि अपसाइलेंट मैक्सिमम है वो के बैंड के लिए 12,000। इसका मतलब इंटेंसिटी है वो किसकी ज्यादा है? के की ज्यादा है। किससे? बी से। और एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन के बैंड, बी बैंड और आर बैंड तीनों की कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे। एसिटोफिनोन है उसके लिए के बैंड के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम 240, बी के लिए 278 और आर के लिए 319। इससे यह स्पष्ट है कि एसिटोफिनोल के लिए तीनों बैंड्स की बात की जाए तो लैम्डा मैक्सिमम वो आर की सबसे ज्यादा है, फिर बी की है, फिर किसकी है? के की। अब साइलेंट मैक्सिमम की बात करें तो के की है 13,000, इसकी लगभग अपन कहें 1,000, आर की कितनी है?
50, इसका मतलब अब साइलेंट मैक्सिमम है वो सबसे ज्यादा किसकी है, के की, फिर बी की, फिर किसकी है, आर की। इसके अलावा अपन और एग्जांपल पढ़ते हैं, एसीटोफिनोन, नेप्थेलिन, नाइट्रोबेंजीन और कौन सा है, क्विनोलिन। इनमें ऐसा है कि सब में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन के साथ साथ क्रोमोफोरिक ग्रुप है, कार्बोनिल है, नाइट्रोबेंजीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब बी बैंड्स हैं वो बेंजीनेट, जिसमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग के साथ क्रोमोफोरिक ग्रुप हो, ट्रांजिशन कौन सा हो, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। इसके लिए अब साइलेंट मैक्सिमम है 200 to 3000 है, याद रखना आप। लेमडा मैक्सिमम है वो 250 to 320 के बीच में है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, जबकि इंपॉर्टेंस कौन रखती है, अब साइलेंट मैक्सिमम। आगे है ई बैंड, ई बैंड है वो, ई का अर्थ है इथाइलिनिक बॉन्ड्स, ये भी किसके लिए, एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक के लिए। बी बैंड्स और ई बैंड्स में अंतर यह है कि ये क्लोज साइक्लिक सिस्टम, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, चेक कर लो सभी साइक्लिक है, सभी में कम से कम दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और इनमें जो ट्रांजिशन की अपन बात करेंगे वो ट्रांजिशन कौन से की बात करेंगे, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की। इसका मतलब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन अपन ने के बैंड में पढ़ा है, बी बैंड में पढ़ा है, और कौन से, ई बैंड में। एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की अपन बात केवल आर बैंड में करते हैं। ई बैंड को फर्दर डिवाइड किया गया है ई वन और किसमें, ई टू। इनकी अपन बात करें तो बेंजीन, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो बेंजीन के लिए ई वन की लेमडा मैक्सिमम 184, ई टू की लेमडा मैक्सिमम कितनी है, 204। किसकी ज्यादा है लेमडा मैक्सिमम, ई टू की, ध्यान रखना। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो ई वन की 50,000 बेंजीन के लिए और इसके लगभग 8,000, इसका मतलब अब साइलेंट मैक्सिमम है वो किसकी ज्यादा है, ईवन की, याद रखना। इसी तरह अपन बात करें एंथ्रासीन, 256 और 375, लेमडा मैक्सिमम किसकी ज्यादा है, ई टू की। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो किसकी ज्यादा है, ईवन की। आगे अपन एग्जाम्पल की बात करें, क्विनोलिन, उसके अंदर अपन ई1, ई2 और कौन से बैंड की बात करेंगे, बी बैंड की। लेमडा मैक्सिमम की बात करें, ई1 270, 288, ई2 के लिए, बी के लिए कितना है, 315। सबसे ज्यादा किसकी है, बी, फिर E2, फिर E1। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो E1 के लिए 40,000, E2 के लिए 3162 और इसके लिए 2500। सबसे ज़्यादा E1, फिर E2, फिर B1। इसलिए अपन अब साइलेंट मैक्सिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, E1 की। ऐसा माना जाता है कि 600 to 1,80,000 के करीब होती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा। के की कितनी है, अपन ने पढ़ी थी 10,000 to 25,000, इसका मतलब सेकंड नंबर पे। ई टू 600 to 10,000, इसका मतलब के से कम है। बी के अपन पढ़ के हैं 200 to 3000 और आर अपन पढ़ के हैं सबसे कम कितनी है, 10 to 100।
लैम्डा मैक्सिमम है, आपको बता चुका हूँ पहले कंपैरिजन किया था, आर है फिर कौन है बी, ई टू और ई वन में किसकी ज़्यादा है, ई टू की। थैंक्स।